हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिजली कनेक्शन काटने गई टीम के साथ मारपीट, आक्रोशित कर्मचारियों ने दर्ज कराया विरोध। दर्ज कराई FIR। बाड़मेर शहर में बालाजी हॉस्पिटल के सामने स्थित एक मकान के बकाया राशि वसूल करने गई बिजली कर्मियों की टीम के साथ एक युवक द्वारा मारपीट कर राजकार्य में बाधा पहुंचाई गई। मामले की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में बिजली कर्मी थाने पहुंचे और विरोध दर्ज कराते हुए FIR दर्ज कराई। जानकारी के मुताबिक बाड़मेर शहर द्वितीय के कनिष्ठ अभियंता रामकेश मीणा, लाइन मैन मुल्तान मल, आयदान सिंह सहित अन्य डिस्कॉम कर्मचारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 पर स्थित बालाजी अस्पताल के सामने स्थित किसान भोजनालय के पास जेठाराम पुत्र रावताराम के मकान की बकाया विद्युत राशि दिसंबर 2021 के बाद से नहीं भरने एवं वर्तमान में बकाया राशि 38,618 रुपए होने के कारण डिस्कॉम टीम कनेक्शन काटने पहुंची थी। इस पर जब टीम कनेक्शन काटकर मीटर हटाकर वापस रवाना होने लगी तो वहां पर मकान में किराए पर रहने वाले एक युवक गेवराम द्वारा डिस्कॉम टीम की गाड़ी के आगे मोटरसाइकिल लगाकर गाड़ी रुकवाई एवं गाड़ी में बैठ कनिष्ठ अभियंता रामकेश मीणा का गला पकड़कर बाहर निकाला एवं गाली गलौज की। साथ ही पीछे बैठे लाइनमैन मुल्तानमल मेघवाल को गले से पकड़कर मारपीट करते हुए गाली गलौज की एवं राजकार्य में बाधा पहुंचाते हुए सरकारी रिकॉर्ड छीन लिया एवं जान से मारने की धमकी दी। इस बीच अन्य कर्मचारियों से बीच बचाव कर उन्हें छुड़वाया। इस संबंध में कनिष्ठ अभियंता रामकेश मीणा द्वारा कोतवाली थाने में राजकार्य में बाधा पहुंचाने, मारपीट करने, गाली गलौज करने, धमकाने का मामला दर्ज कराया है। घटना की जानकारी मिलने पर अन्य डिस्कॉम कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे एवं मामले के FIR के लिए पहले रिको थाना एवं उसके बाद कोतवाली थाने गए, जहां राजकार्य में बाधा मारपीट का मामला दर्ज कराया गया। कर्मचारियों ने आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर सख्त कार्यवाही की मांग की। इस दौरान सहायक अभियंता लक्ष्मण दास, कनिष्ठ अभियंता रामकेश मीणा, मुल्तान मल, रमेश पवार, नरेंद्र सिंह, आयदान सिंह, जनक गहलोत, रूप सिंह, राजेंद्र सोनी, कुलदीप रामावत, चेतन कुमार, अजमत खान, इंगलाज तान, अंकुर वर्मा, कल्याण गर्ग, जगदीश चौधरी, अनिल चौधरी, मूलाराम चौधरी, दलपत सिंह, सतीश कुमार सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से खास रिपोर्ट।